छठ का नहाए खाए का ये क्लिप है। नहाए खाए के दिन हम लोग छठ के लिए ये गेहूं धो रहे थे, धोकर और इस पर मैं सुखाने के लिए ले आई हूँ छत पर। अच्छी तरह से गेहूं को चुनकर और धो दिया जाता है, उसके बाद इसे अच्छी तरह से सुखाया जाता है, गंगा जल वगैरह छीट दिया जाता है जहाँ सुखाया जाता है, और इसे अच्छी तरह से देखते रहना पड़ता है कि कोई चिड़िया वगैरह इसे जूठा ना करे, क्योंकि बहुत ही शुद्धता से गेहूं धोकर और सुखाकर इसका आटा बनाया जाता है, और उसके बाद इससे ठेकुआ बनता है, और यही मेन प्रसाद होता है छठ में। सूप में डालकर चढ़ाने के लिए सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है इससे। वही मैं यहाँ पर सुखा रही हूँ गेहूं को सुबह में सारे काम करके, उसके बाद स्नान करने के बाद और गेहूं धोकर मैं छत पर चली आई इसे डालने के लिए, और इसे डालकर मैं नीचे जाऊंगी। तब तक यहाँ कोई और देखेगा इसे, और चिड़िया से बचाकर इसे सुखाना है, और इसे अच्छी तरह से पतला पसार देना है ताकि 4-5 घंटा में ये सूख जाए। जिनके घर में जितना संभव हो सकता है उतना अपना गेहूं धोते हैं, और हम लोगों को तो ज़्यादा बनाना नहीं है। इस बार तो मम्मी का भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ही मतलब गेहूं धोकर उसको सुखाकर उसका ही प्रसाद बना लेंगे। और भी बहुत सारा बनता है, मैदा का भी बनता है, खजूरी और बहुत सारा चीज़ बनता है उस सबसे, और फल से अर्घ दिया जाता है। यहाँ पर मैं गेहूं धोकर पसार दी हूँ और इसे अच्छी तरह से सूखने दूंगी, और इसका पहरा देना पड़ेगा कोई चिड़िया वगैरह इसे जूठा ना करे, इसलिए छत पर किसी न किसी को रहना पड़ेगा एक डंडा लेकर, और ये दिन भर आज सूखेगा इधर। गेहूं को अच्छी तरह से धोकर सुखाया जाता है और इसे पवित्रता से सुखाया जाता है। इस गेहूं से ठेकुआ बनेगा और इसी का प्रसाद घाट पर जो अर्घ दिया जाता है उसमें लगेगा। अब मैं जा रही हूँ किचन में देखने के लिए क्या क्या बन रहा है। चलिए किचन में। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी छठ पूजा का नहाए खाए, इसे कद्दू भात भी कहा जाता है। और आज से छठ पूजा स्टार्ट हो गया है, आज से लेकर 4 दिन तक का ये छठ पूजा चलता है। आज नहाए खाए का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उसके बाद खरना का प्रसाद कल बनेगा, और फर्स्ट अर्घ जो होता है वो परसों होगा, और सेकेंड अर्घ चौथा दिन होगा। और आप लोगों के साथ डेली मैं ब्लॉग शेयर करूंगी, आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का आप लोग फुल एंजॉय कर सके, क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। और सबसे पहले आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और आज मैं मोरनी का पूजा कर ली हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों को कान्हा जी का दर्शन भी करवा दूंगी, और उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि किचन में क्या क्या बन रहा है। अब मैं आ गई हूँ किचन में, यहाँ मेरी देवरानी सब्जी काट रही है और वो तैयारी कर रही है खाना बनाने के लिए। और आज कद्दू और चावल चना दाल का दाल बनेगा, और यही सब प्रसाद में आज खाया जाता है। आज छठ पूजा का नहाए खाए है, और चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ छठ पूजा की नहाए खाए के दिन हम लोग कैसे भोजन बनाते हैं, किस तरह से क्या क्या बनता है। और यहाँ पर बच्चे लोग खेल रहे थे, देखिए मैं देखने आई कि लोग क्या कर रहा है, तो देखी मैं कि तीनों चारों मिलकर सब खेल रहा है, इसलिए मैं सोची इन लोग का भी वीडियो में थोड़ा डाल दूँ, बच्चे लोग को देखकर सभी को अच्छा लगता है इसलिए। और ये देखिए ये अपनी आई है छोटी सी किट्टू, और अपने भाई से झगड़ा करने लगी आकर, कह रही है कि मेरे साथ क्यों नहीं खेल रहा है। बस इसी तरह से इन लोग का बीच में होते रहता है, ये लोग यही सब चलते रहता है। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और पीछे में भी पूरा आवाज़ें आ रही हैं, घर में अभी थोड़ा सा भी शांति नहीं मिल रहा है कहीं पर भी जिससे मैं आवाज़ डाल सकूँ वीडियो में, इसलिए आप लोग इसे इग्नोर करिएगा। यहाँ देखिए कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल दूंगी, हम लोग तेल में ही बना के खाते हैं, कहीं कहीं घी में बनाया जाता है सब्जी।
यहाँ देखिए कद्दू कट चुका है, अब इसका सब्जी बनने जा रहा है। आज विशेष रूप से कद्दू की सब्जी बनाई जाती है, नहाए खाए के दिन कद्दू का महत्व है। आज कद्दू भात भी कहा जाता है इसे। देखिए इसको, ये बना रही है खाना और हम दिखा रहे हैं आपको वीडियो। देखिए इसमें गल चुका है जीरा और हरी मिर्च। आज इसी तरह से इसका सब्जी बनेगा और आज का सब्जी बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पर मैं कद्दू की सब्जी को छौंक दी हूँ और इसे मैं बना रही हूँ। इसमें डाल दी हूँ सेंधा नमक और हल्दी और गोलकी जीरा पाउडर। इस कद्दू की सब्जी में डल चुका है और ये सब्जी बन रही है। यहाँ पर मेरी ननद जी बना रही है अपने बेटे के लिए भोजन। ये ओट्स बनाने जा रही है कढ़ाई में। देखिए मेन काम करने वाली ये है, साइड में सारा काम ये कर रही है। और यहाँ देखिए भी अपना सब्जी वगैरह काट रही है यहाँ पर। सुबह से ही अपना काम कर रही है, लगी रहती है अपना काम में। और यहाँ पर देखिए चना का दाल बन रहा है। और यहाँ देखिए तरुआ छनाएगा। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हम लोग इसे तरुआ बोलते हैं। ये कद्दू का तरुआ छनाएगा और ये आलू का तरुआ छनाएगा। और मेरी देवरानी बोल रही है इसे पकौड़ी भी बोला जाता है। पकौड़ी इसे नहीं बोला जाता है, पकौड़ी बोला जाता है जो बेसन का गोल गोल छाना जाता है उसे। और यहाँ देखिए चावल भी पक रहा है, आज अरवा चावल बनता है। यहाँ पर बन गया है अभी चावल दाल और तरुआ मैं छानने जा रही हूँ। तरुआ बन जाएगा, उसके बाद सबसे पहले जो व्रत करते हैं उनको दिया जाता है खाना, उसके बाद सभी लोग घर के खाएंगे। और यहाँ मैं देखिए तरुआ तल रही हूँ। ये आलू का तरुआ है, इसे मैं तल लूँगी। उसके बाद है कद्दू का, वो तलूँगी। उसके बाद एक कद्दू का तलाएगा, फिर उसके बाद सभी लोग खा लेंगे। यहाँ कद्दू की सब्जी भी बन चुकी है। देखिए चना का दाल बना है। और यहाँ चावल बन गया है। और यहाँ देखिए दाल बना हुआ है। और मैं अब जा रही हूँ कद्दू का तल लूंगी, उसके बाद जिसको खाना होगा वो खाएंगे। सबसे पहले माँ खाएगी, उसके बाद सभी लोग। का व्रत जो है बहुत शुद्धता से किया जाता है। ये 4 दिन का व्रत होता है और इसमें बहुत नियम रहता है और नियम के अनुसार ही पूजा पाठ किया जाता है। और मेरे मायके में जो नहाए खाए का खाना बनता है वो सारा पीतल का बर्तन में बनता है और सारा घी में बनता है। लेकिन यहाँ जो ससुराल में है वैसा कोई नियम नहीं है। यहाँ पर सरसों के तेल में भी बना के लोग खाते हैं, इसलिए मैं आज सरसों के तेल में यहाँ बना रही हूँ और कुछ घी में बनाऊँगी। और मेरे मायके में लेकिन सरसों का तेल नहीं चलता है, सबका अपना अपना नियम रहता है। जैसा जो जहाँ करते हैं वैसा ही लोग करते हैं। और मैं जो यहाँ नियम है मैं यहाँ का कर रही हूँ और अपने मायके में जो देखी हूँ मैं वहीं पर छोड़ दी हूँ। और यहाँ का जो नियम है यहीं पर मैं करती हूँ। मायके में भी मेरी माँ छठ करती थी, अब मेरी भाभी छठ कर रही है। इस बार भी मेरी भाभी छठ कर रही है और वहाँ भी छठ हो रहा है और यहाँ भी छठ हो रहा है। और चलिए आगे का लोग इंजॉय करिए आप लोग। यहाँ मैं कान्हा जी के लिए भोग के लिए निकाल ली हूँ, अब मैं जा रही हूँ भोग लगाने के लिए। खाना बन गया है और खाना बनने के बाद सबसे पहले मैं कान्हा जी को भोग लगा दी हूँ। अब मैं जा रही हूँ माँ को देने के लिए, उसके बाद हम लोग सब
प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। आज का यही प्रसाद होता है।